अयोध्या रेप केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अयोध्या रेप कांड में नाबालिग और उसके परिवार को धमकाने के केस में समाजवादी पार्टी के नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद रशीद, समाजवादी पार्टी के नेता जयसिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ये लोग रात 11 बजे जिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मिले थे और उन्हें धमकाया था। और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की बेकरी के साथ कई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से देखा गया। शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने पैमाइश की थी और आज 11:30 बजे फिर से पहुंचकर वहां बुलडोजर चला दिया। राजस्व की टीम तालाब और कई सरकारी जमीन का भी आरोप है, साथ ही साथ कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जे का आरोप है। पुलिस प्रशासन की टीम के साथ बुलडोजर भी पहुंच चुका है। पीड़ित परिवार ने मोहित खान के साथ समझौते के लिए मना कर दिया था, इसलिए उन्हें धमकाया गया था। बुलडोजर पहुंचा, आप देख सकते हैं बेकरी सील कर दी गई है, अब बेकरी नहीं चल सकती, और बुलडोजर भी चला दिया गया है। अब सभी प्रॉपर्टी को सील करके बुलडोजर चलाया गया। लोग तो बोल रहे हैं कि योगी ने जो बोला था वो करके भी दिखाया। उनका भाषण भी बहुत वायरल हुआ था कि नौकरी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं मेरी बहन बेटियों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। बहुत से लोगों ने इस बात की सराहना भी की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस बल को भी एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो खलल डालने की कोशिश करते हैं। काम में तो ऐसा कोई परिस्थिति ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस पर एक्शन क्यों लिया गया। दरअसल बीती ऐसी बात है कि पीड़ित की कंप्लेंट तुरंत दर्ज नहीं हुई थी। मामले को देखने के बाद परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। भदरसा चौकी इंचार्ज ने मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि पूरे थाने के एसएचओ ने यह शर्त रखी थी कि मोहित खान का नाम हटा ले तो एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। मोहित खान का नाम हटाकर नौकर का नाम मुजरिम पर रखने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब इस मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो पुलिस पर दबाव बनाया गया और अब इन दोनों पुलिस वालों पर आफत आन पड़ी है। आपको बता दें कि पीड़िता और उसके परिवार में मिलने पहुंचे संजय निषाद मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद यहां पर रोते हुए नजर आए, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूंगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहां झूठा है, और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है, ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संतकबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई, जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं, और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतने उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता, उसका साथ न दे, और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। धन्यवाद।